हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है परमिट टू वर्क सिस्टम। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी भी वर्क प्लेस को ले लीजिए, कुछ भी काम अगर करना है, कोई डिफरेंट काम है, जैसे अब कंस्ट्रक्शन में हाइट वर्क होगा, ठीक है, और कोल्ड वर्क होगा, हाइट वर्क होगा, हॉट वर्क होगा, इस तरीके के काम होंगे, है ना। तो इनको कैसे हम परमिट करें, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ चलिए आपको यहाँ काम करना है आप चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। इनका एक पहले प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसका नाम है परमिट टू वर्क सिस्टम। इनको पहले परमिट प्रोवाइड कराया जाता है, देन उसके बाद उस प्लेस पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस परमिट को कैसे हम इशू करते हैं, उससे पहले क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो परमिट, वर्क परमिट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, ठीक है, और कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, ठीक है, ऐसे और भी वर्क परमिट होते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइट पर वर्क करें तो हाइट वर्क परमिट, कोल्ड प्लेस पर करना है तो कोल्ड वर्क परमिट, तो इस तरीके के परमिट्स होते हैं। अब इनको कैसे हमें परमिट मिलेगा, देखिए परमिट के लिए पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी पर्सन को अगर वर्क करने जाना है तो उसे ऑथोरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए कि हाँ ये काम करने के लिए वह सेफ जगह है, सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए गए हैं, पर्सन को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि उसे किस टाइप की जॉब कैरी आउट करनी है और क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ का सेफ्टी इंचार्ज कौन है, जॉब के लिए क्या क्या जॉब जहाँ वो कर रहे हैं, मतलब जो भी काम करने जा रहे हैं उसके हैंडलिंग परमिट्स तभी दिए जाएंगे, उसको हैंड परमिट तभी दिया जाएगा जब वो पर्सन उस जॉब को करने के लिए एप्लीकेबल होगा और उसे अप्रूव किया जाएगा ऑथोरिटी के थ्रू, परमिट अप्रूव किया जाएगा तो ही, ठीक है। तो परमिट अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक परमिट अप्रूवल और ऑथराइजेशन नहीं होगा तब तक वो पर्सन उस काम को करने नहीं जा सकता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्यों है, देखिए परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो हैजार्ड्स ऑपरेशंस के बाद आपको परमिट मिलता है। अब हैजार्ड ऑपरेशन क्या होता है, अब हाइट पे वर्क करना है, कहीं भी वर्क करना है तो उसे ऑब्जर्व कर लेना कि यहाँ किस किस तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं, कितनी परसेंट रिस्क है और रिस्क कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं तो अब हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्व करके उसको एनालाइज करने के बाद हमें उसे एलिमिनेट भी तो करना होगा कि हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेम उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि हमें पहले रिस्क चेक करनी है, उसके बाद उसके कंट्रोल मेजर्स हमें पता होने चाहिए। तो परमिट टू वर्क यही कहता है कि आप जो भी वर्क करवा रहे हैं अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में या वर्क प्लेस पर, तो उसके जो भी एक्सीडेंट्स होने वाले हैं उनसे बचने के तरीके क्या क्या हैं, तो उन्हीं के बारे में ये बताया गया है कि हम पहले एनालाइज़ करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे ना कि किस तरीके का हैजार्ड है। और जब एक बार पता चल जाएगा ये तरीके के हैजार्ड हो सकते हैं तो हम उस पर क्या करेंगे, उसे रोक सकते हैं, ठीक है। देखिए वर्क परमिट सिस्टम का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो भी पर्सन है वहाँ पे, वर्कर्स है, पर्सनल्स है, उनको किसी भी तरह की इंजरी से बचाना, उनको इंजरी ना होने पाए उन सब चीज़ों से बचाना, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है जॉब परफॉर्मेंस पर, परफॉर्म करता है सेफ, मतलब कितना सेफ है जॉब उनका, ठीक है। फैमिलियर करता है सारे प्रोसेस से, कंडीशन से, मेंटेनेंस से, कि किस तरीके से वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें। जो भी हजारियस मटेरियल रहता है उससे भी पर्सन इंट्रोड्यूस हो जाता है कि इस तरीके का मटेरियल है, इस तरीके के खतरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी से पहले JSA भी किया जाता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस इसीलिए किया जाता है ताकि हम उसे वर्क परमिट इशू कर सकें। और वर्क परमिट इशू होता है तो वो कंडीशंस पे इशू होता है, क्या इस तरीके के काम से आप सेफ रह पाएंगे, सेफ्टी कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसमें ऑल ओवर चेक की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो कहीं ना कहीं वर्क परमिट है वो बहुत ही सेफली चीज़ है, बहुत सेफ्टी प्रिवेंट करेगी वर्कर्स को, क्योंकि इसमें होने वाले जो एक्सीडेंट केसेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सारी चीज़ को चेकआउट करने के बाद ही परमिट इशू किया है, उस पर्सन को जाने को अलाउ किया है, ठीक है। तो वर्क परमिट सिस्टम की ये सारी क्या है, फैसिलिटीज़ मतलब बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हुए, हम अपनी इंडस्ट्री को सेफ रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं, एक्सीडेंट्स फ्री रख सकते हैं, और जो वर्कर काम कर रहा है उसकी भी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए वर्क परमिट तो ये है, क्रिटिकल लिफ्टिंग ऑपरेटिंग में भी ये वर्क परमिट रहते हैं, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ में भी रहता है ये, जैसे कि मैकेनिकल वर्क चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्क चल रहा है,
ठीक है, डेटा टेलीकम्युनिकेशन वर्क चल रहा है, स्कार्फ फोल्डिंग चल रही है, पेंट चल रहा है, इंसोलेशन चल रहा है, लैगिंग हो रही है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइंट ऑपरेशन चल रहा है। तो ये परमिट टू वर्क जो है वो हर एक कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि देखिए हम जब तक परमिट वर्क परमिट इशू करेंगे, वर्क रिक्वायर्ड अ परमिट, इसका पूरा जो नाम है वो है वर्क रिक्वायर्ड अ परमिट, क्योंकि वर्क को रिक्वायर्ड है परमिट की। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम जब देखेंगे, अब मान लीजिए मैकेनिकल वर्क चल रहा है, मशीनरी पे वर्क चल रहा है, भाई अगर हम उसके लिए वर्क परमिट इशू नहीं करते हैं, जैसे कि मशीन ख़राब है, तो मान लीजिए किसी ने जो भी उसको ठीक करने गया उसको वर्क परमिट इशू नहीं किया, तो हो सकता है ना कि उस मशीन में शॉक आ रहा हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमने उसे चेक नहीं किया कि मशीन में क्या क्या खराबी थी, कहीं इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह तो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें जब हम परमिट इशू करते हैं तो चेक कर लिया जाता है, बाकी इस तरीके के होने वाले एक्सीडेंट से हम बचा सकते हैं। अब ये जो बात है वो देखिए क्या होता है, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं ऑपरेशंस, मतलब जो काम कर रहे होते हैं उसके टाइम पर अगर उन्हें परमिट इशू कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो वर्कर है वो भी सेफ़ हो जाते हैं, वो भी बेफिक्र हो जाते हैं कि हाँ हमें वर्क परमिट इशू किया गया है, तो ये सारी जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ़ है हम लोग के लिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो भी होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचने का ये कुछ स्टेप है, ठीक है। और साथ ही वर्क परमिट का मतलब ये भी है कि जो भी पर्सन है उनको ट्रेनिंग देना। देखिए ट्रेनिंग देना क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपने कुछ भी चीज़ नई इम्प्लीमेंट की है, ठीक है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आपको पता है, पर आपके साथ के कुलीग्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स जो भी हैं, क्या उन सबको भी वो सारी बात पता है? नहीं पता तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो इस वजह से क्या है, ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। लेक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट केसेस बढ़ सकते हैं। अगर परमिट इशू करना है, सबको अवेयर करो हमने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, और सभी को पता हो। वर्क परमिट सिस्टम एक फॉर्मल प्रोसीजर है, उसे मेंटेन करा जाता है। उसको मेंटेन करने का मतलब यही है कि जो भी काम किया जा रहा है एक ऑपरेशन, मतलब एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया जा रहा है। अगर कोई भी काम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया जाता है तो वो बहुत सेफ़ रहता है, ठीक है। तो एक सेफ्टी ऑफिसर की ये सारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो PTW मतलब परमिट टू वर्क सिस्टम जो है उसे कीप, मतलब उसे बनाए रखे, ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग के बाद जो भी सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो उससे फॉलो कराए, इंटरनल सिस्टम ऑडिट्स होते रहें एक बार महीने में, जिससे कि क्या हो सारी चीज़ें पता लग पाए, ठीक है। मैनेजमेंट चेक करे टीम साइट पर कैसा वर्क कर रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं हाई रिस्क जॉब परमिट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शंस, मतलब जो हाई रिस्क परमिट्स जो हैं वो एक स्पेसिफाइड रहे एक सेक्शन में, ऑथराइजेशन उन्हें मिला हो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई हाई रिस्क वाला वर्क चल रहा है, हाई रिस्क जॉब चल रही है, तो उसके लिए जो परमिट इशू है वो एकदम ऑथराइज होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। क्या क्या चीज़ें उस परमिट को बनाने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी, ठीक है। तो ये आज मैंने परमिट टू वर्क सिस्टम आपको बताया, जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत वर्क में आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, हाइट वर्क, एक्सकवेशन वर्क चल रहा है, तो सभी के लिए परमिट इशू करने होते हैं, तो बहुत सारे वर्क वहाँ पे रहते हैं, तो वर्क परमिट ज़्यादा से ज़्यादा वहीं यूज़ किए जाते हैं। यूज़ तो सभी जगह किए जाते हैं, पर थोड़े वर्क कम रहते हैं वहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़े ज़्यादा वर्क रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई परमिट टू वर्क से रिलेटेड, ठीक है, PTW से रिलेटेड। सो थैंक यू।